डोमिनार 400 में आपको सीट हाइट देखने के लिए मिलती है 800 mm की। तो लेट्स सी किस हाइट के राइडर्स को कंफर्टेबली चला सकते हैं। ये सीट हाइट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे साथ है तीन राइडर। सबसे पहले राइडर को आप जानते हो, जिनका नाम है सागर सिंह केंतुरा, एंड इनकी हाइट है 5'5" ना, वेट है आगे बताओ 58 वेट है। एंड दूसरे राइडर हमारे साथ मिस्टर केशव की हाइट है 5'10" एंड वेट है मेरा 75 kgs। थर्ड राइडर है हमारे साथ, नाम क्या है इस भाई का? हर्ष खड़का। मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? हर्ष भाई की हाइट है 5'9" एंड वेट है 70 kgs। तो तीनों को बारी बारी बैठाते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे अच्छे राइडर से जो है सागर भाई। सबसे गंदे राइडर से भाई। सागर भाई के पास, अगर आपने वीडियोस हमारे चैनल पे नहीं देखी है तो डोमिनार 250 है, मैं बता देता हूँ। तो सागर भाई, डोमिनार 250 से और 400 में कुछ डिफरेंस लग रहा है? ये माइक लगा हुआ है। हाँ तो बोलो। हाँ डिफरेंस तो है, हैंडलिंग का डिफरेंस है। ये थोड़ा सा टायर की वजह से है, टायर इसका फ्लैट मतलब हाई वो है, तो उसका थोड़ा नीचे लग रहा है, सस्पेंशन से भी हो सकता है। कौन सी सा बाइक ज्यादा कंफर्टेबल लगी आपको? कंफर्टेबल तो यही लगी, 250 से। 250 से ये लगी, तो इसको भी इजीली चला लोगे? ठीक है। दूसरे राइडर को बैठाते हैं जो है अपने हर्ष भाई। हर्ष भाई की हाइट है 5'9" एंड वेट है 70 kgs। लगा दो यार, आदान प्रदान कर दो माइक का। तो 5'9" हाइट है, 70 kgs वेट है, आप देख पा रहे हो हर्ष भाई पूरे के पूरे पैर नीचे रख पा रहे हैं। तो हर्ष भाई कंफर्टेबल है? बिल्कुल। चला लोगे इजीली इस बाइक को? बिल्कुल। और ये छबरी राइडर्स वीडियो उधर दिखाना, ये देखिए हमारे छपरी राइडर जो है स्प्लेंडर में एकदम, ये देखिए तुम स्टंट देखिए यार। तो हर्ष भाई कोई इशू लग रहा है इसको बाइक चलाने में? चला लोगे इजीली? ठीक है। तो नेक्स्ट राइडर को बैठाते हैं जो है मिस्टर केशव। थोड़ा सीट हाइट टेस्ट में डिले हो जा रहा है क्योंकि माइक ठीक से लग नहीं पा रहा है। केशव भाई की हाइट है 5'10" और वेट है 75 kgs। मतलब दोनों जो बाकी राइडर्स हैं उनसे ज़्यादा वेट है और ज़्यादा हाइट है। रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे कि पैर तो नीचे आ ही रहे हैं पूरे के पूरे, लेकिन नहीं देखिए पैर भी बेंड हो रहे हैं। तो पूछना तो बनता नहीं है, वैसे कंफर्टेबल चला लोगे? लेकिन चला पाते हो उसको उसमें? मैं तो बहुत आराम से चला पाता हूँ, मैं तो व्हीली भी मार लेता हूँ कभी कभी। क्या बात कर रहे हो, लग जाती है कभी कभी एक्सीडेंटल। अच्छा तो ऐसा तो नहीं होता है कि चलाते चलाते पैर नीचे रख देते हो तो व्हीली लग जाती है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है एकदम। क्या इसलिए आपने नॉर्मल लिया, मजा आता है इसको चलाने में, काफी इजी है। मैं इसको खड़े होके भी चला सकता हूँ, जैसे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं इसमें, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी तो इसमें चला सकते हैं। और कुछ नहीं साले। छपरी राइडर देखो यार रोड पर बात कर रहे हैं, फिर बोल दे कि गवर्नमेंट रोड नहीं बनाती। तो इतना ही था इस राइड टेस्ट में, आपने देख लिया होगा अगर आपकी हाइट 5'5" उससे कम है और वेट भी थोड़ा सा कम है आपका, तो आप टो इजीली इसमें टच कर पाओगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको सिटी में चलाने के लिए, बट अगर आपकी हाइट उससे ज़्यादा है और वेट भी अच्छा खासा है, खाते पीते घर के हो आप, तो इस बाइक को आप इजीली कंफर्टेबली चला पाओगे। इतना ही था इस राइड टेस्ट वीडियो में। अगर इस बाइक का आपको ओनरशिप रिव्यू, क्या हो गया ऐसा? अबे आप बोले खाते पीते घर की होगी, खाते पीते घर के होते हैं भाई लोग। तो इतने तो सी राइड टेस्ट वीडियो में, पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।